स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस, आप अपने फ़ोन में अपनी डायरेक्ट अमाउंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल इजी तरीके आपको उन्हें स्टेप करके आप अपने फ़ोन में अपनी डायरेक्ट अमाउंट कर सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी के लिए गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको गाइस इस तरीके से यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है, तो हमें इसे ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डायरेक्ट अमाउंट ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डायरेक्ट अमाउंट को नेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस आप अपने फ़ोन में अपना डेट एंड टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल इजी तरीके हैं गाइस, आपको उन्हें स्टेप करके आप अपने फ़ोन में अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आए वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है गाइस, तो हमें सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे हमारा एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम, तो सिस्टम पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट एंड टाइम, तो हम इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन अगर ऑन करना है तो इससे क्या होता है यूज़ नेटवर्क प्रॉब्लम टाइम, तो आपको नेटवर्क के हिसाब से हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। अगर हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो गाइस हमें डेट पर क्लिक करना है और अपनी जो भी डेट है हमें उस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद हमें जो भी अपना टाइम चेंज करना है या यही रहने देना, तो आपको इस तरीके से ओके कर देना। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप 24 घंटे वाला करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे 24 घंटे वाला कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारा टाइम है तो हमें इस तरीके से हमारे फ़ोन में 13:01:24 घंटे वाला लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।